पर जिसे बोलते हैं मैतम स मा प वतक, महतम समाप वर्तक, महतम समाप वर्तक, ठीक है ना। यानी अपने को महत्तम निकालना है। पहली संख्या आपने बढ़ा 36 और 84 का, 36 और है। अब इन दोनों के अलग अलग गुणनखंड करने पड़ेंगे। 36 का गुणनखंड करो ऐसे, 84 का यहां कर लेंगे। पहले 36 का करते हैं, 2 का भाग दूंगा 18, 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे 3, 3 एकम हो गया, कर लिए गुणनखंड। इसके कर लो, 2 का भाग दूंगा 42, 2 का भाग दूंगा 21, 21 में 2 का नहीं जाता 3 का जाता है, 7 21 सात एकम हो गए। अब दोनों के गुणनखंड लिख लो। 36 के गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 84 के कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। महत्तम में क्या होते हैं, गुणनखंड मिलाने पड़ते हैं। देखो ये दो दो मिल रहा है ना, इसका एक खाना बना लो और दो लिख लो, मिल गया एक बार। ये दो दो मिल गए, एक बार और लिख लो गुणा में। फिर तीन तीन मिल गए, एक बार लिख लो। अब देखो यहां 7 है, यहां 7 नहीं है, यहां 3 है, यहां 3 नहीं है, मिलते नहीं ना दोनों में, तो उनको नहीं लिखना। कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 3 8 12। अब 12 का मतलब ये होता है महत्तम का, ये 12 संख्या है, इन दोनों में पूरा पूरा भाग लगाएगी। 12 3 36, 12 7 84, समझ गए। ये होता है महत्तम समाप वर्तक। क्या, महत्तम समाप वर्तक। दूसरा है 28 और 42। दूसरा सवाल है आपका 28 हो रहा है, 28 के गुणनखंड करो और 42 के गुणनखंड करो। 28 में 2 का भाग देंगे 14, 2 का भाग देंगे 14 में 7, 7 एकम आ गया। 42 में लगाएंगे 21, 21 में 2 का नहीं जा रहा 3 का, 7 एकम, 7 21, 7 एकम 7। अब 28 के गुणनखंड लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 7। 42 के लिख लो, 2 गुणा 3 गुणा 7, लिख लिए। देखो दो दो मिल गए, लिख लो 3 यहां है यहां नहीं है, 2 यहां है यहां और है नहीं है, 7 7 मिल गए, लिख लो गुणा कर लो। 7 दूनी ये क्या आ गया, मैं से आ गया 14, मैं से कितना आ गया, यानी 14 का मतलब ये 14 28 में भी भाग लगा रहा है पूरा पूरा, 42 में भी भाग है, वो होता है मैस। क्या होता है, जो संख्या निकाल रहे हैं उसका जो दोनों संख्या है 2 और चाहे 3 हो, मैं से 3 संख्या में निकालते हैं तो उन तीनों में पूरा पूरा भाग लगाना चाहिए, वो मैस है। वो क्या है, मैस है, वो क्या है। तीसरा सवाल देखिए आपका, 13 26 52, 13 26 और 52, मैं से निकाले तीनों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 13 का अलग गुणनखंड करो, 26 का अलग करो, 52 का अलग। 13 तो अभाज्य खुद ही है, 13 एकम, इसमें 26 में लगाएंगे 13 दूना 26, 13 एकम, 52 में लगाएंगे 2 का आगे 26, फिर 2 का लगाएंगे आगे 13, 13 एकम। अब गुणनखंड लिख लो 13 के, 13 कितने हैं, 13 एक ही है। 26 के कितने हैं, 2 गुणा 13, 52 कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 13, 2 2 2 2 2 है, इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते, इसमें 2 है इसमें नहीं है इसमें नहीं ले सकते। 13 देखो इसमें भी है इसमें भी, इसमें तीनों को लगा, मैं सैपे कितना आ गया, यानी 13 का भाग देखो, 13 का भाग 13 में जा रहा है, 13 का भाग 26 में जा रहा है, 13 का भाग 52 में जा रहा है, वो मैस से होता है। क्या, मैस से पे, क्या होता है, आगे बढ़ा है 15 35 40, 15 35 और 40, तीनों के अलग अलग गुणनखंड करो, 15 के अलग करो, 35 के अलग करो, 40 के, 15 का 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि कहीं ना 5 आ गया, 3 का लगा दो, 5 3 15, 5 एकम, इसमें देखो 2 का नहीं जाएगा 3 का नहीं जाएगा, 5 3 8, 3 का 5 का जाएगा, 5 7 35, 7 एकम, इसमें 2 का लगाओ 20,
दो का लगाओ 10, दो का लगाओ 5, 5 एकम 5, ठीक है आ गया। अब देखिए इसका एक गुणनखंड बेटा एक भी होता है, एक अपने लिखते नहीं है, तो इसको एक को भी मैं लिख देता हूं, एक एकम एक, एक एकम, ठीक है हो गया। अब 15 के गुणनखंड लिखो कितने हैं, 3 × 5 × 1, 35 के लिखो 5 × 7 × 1, 40 के लिखो 2 × 2 × 2 × 5 × 1, हो गया ना। एक अपने कई बार लिखते नहीं, लास्ट में बचाता एक लिखते नहीं, ठीक है ना, एक इसका गुणनखंड होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या मिल रहा है, दो दो नहीं मिल रहा, यहां देखो यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 5 है, तो ये एक चक्कर बन गया, ये देखो। और कोई मिल रहा है क्या, मैं सर पे कितना आ गया, कितना आ गया, आ गया ना। अब देखिए आगे वाला सवाल है आपका 23, 31, 93, 23, 31 और 93, 23 में तो 23 का जाता है ना एक एकम एक, 31 का 31 में जाता है एक एकम, इसमें 3 का जाता है, 9 × 3 = 12 है, 3 का जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 31 का 31 आ गया एक एकम। अब गुणनखंड फिर लिखो 23 का 23 × 1, 31 का 31 × 1 और 93 का 3 × 31 × 1। अब देखो 3 यहाँ है या नहीं है, या नहीं है, यहाँ 31 है, यहाँ 31 है, या नहीं है, यहाँ 23 है, या नहीं है, या नहीं, क्या है, तो इसका मैं से पे कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए एक अपने दिखते नहीं कई बार, जिस प्रकार 5, 15 और 25, इसका मैश ऐप अपने को निकालना हो, इसका मैश ऐप अपने को निकालना, कैसे निकालेंगे, 5 का टुकड़ा अलग करो, 15 का टुकड़ा अलग करो, 25 का टुकड़ा, 5 एकम एक एकम, 3 का 12, 5 × 3 = 15, 5 एकम एक एकम, 5 × 5 = 5 एकम, 5 के गुणनखंड लिख लो 5 × 1, 15 के लिख लो 3 × 5 × 1, 25 के लिख लो 5 × 5 × 1, देखो इसमें क्या मिल रहा है, देखो पहले तो ये देखो ये 5 तीनों मिल रहा है ना, एक भी मिल रहा है ना, एक को तो लिखते हैं नहीं लिखते, लास्ट में जब कोई गुणनखंड नहीं होता तो एक लेते हैं, ठीक है ना, 5 को एक को लिखो या नहीं लिखो, 5 × 5 ही होगा, मैं सभी कितना आ गया 5, ठीक है। जैसे 10, 20 और 40, 10, 20 और है, इसका मैं से पे निकालना क्या करना हो, महत्तम समापवर्तक, तो 10, 20 और कितने हो गए, 2 का बाहर लगाऊं 5, 5 एकम, 2 का लगाएंगे 10, फिर 2 का लगाएंगे 5, फिर 5, 5 एकम 5, फिर 2 का लगाओ 20, 2 का लगाओ 10, 2 का लगाओ 5, 5 एकम, ये गुणनखंड लास्ट में लिख लेंगे। देखो 10 के गुणनखंड है 2 × 5, 20 के गुणनखंड है 2 × 2 × 5, 40 के गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 5, दुआ दुआ मिल रहा है पहले तो इसको लिख लो, लिख लिया, फिर पांचा पांचा मिल रहा है। अब देखो यहां 2 है, यहां है, यहां नहीं है, तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं, 2 ही मिलते हैं ना, तो 5 × 2 = 10, मैं सह पे कितना आ गया, क्योंकि वो तीनों में 10 भाग लगा रहा है, देखो 10 का भाग 10 में भी जा रहा है, 10 का भाग 20 में भी जा रहा है, 10 का भाग 40 में भी जा रहा है, ठीक है। हम मान लीजिए 100, 150 और 200, इसका अपने को मैं सह पे निकालना हो, मैं सह पे तीनों को अलग अलग गुणनखंड करो, 100 के अलग करो, 150 के गुणनखंड अलग करो, 200 के अलग करो, ठीक है। अब इसका कितना करूं, 2 का बाहर लगाऊंगा 50, 2 का बाहर लगाऊंगा 25, फिर 5 का लगाऊंगा 5, 5 एकम, इसमें 2 का लगाएंगे तो 75, फिर 2 का नहीं जा रहा है, लगा दें 7 × 5 = 12,
बारह में तीन का जा रहा है ना, तो इसमें जाएगा तीन का, पच्चीस या पचहत्तर, पंच पंचो पच्चीस, पांच एकम, इसमें दो का लगाऊं सौ, दो का लगाएंगे पचास, दो का लगाएंगे पच्चीस, फिर पांच का लगाएंगे पांच, पांच एकम। अब सौ के गुणनखंड लिख लो, दो गुणा दो गुणा पांच गुणा एक सौ पचास के लिख लो, दो गुणा तीन गुणा पांच, दो सौ के लिख लो, दो गुणा दो गुणा दो गुणा पांच गुणा, पहले देखो दुआ दुआ मिल रहा है, एक निकाल लो, फिर यहां दुआ है यहां नहीं है, यहां नहीं है यहां ती है, यहां नहीं है यहां नहीं है, पांचा पांचा मिल रहा है, एक बार निकाल लो, फिर पांचा पांचा दूसरी बार मिल गया, फिर निकाल लो, निकाल लिया, पांच दूनी दस, दस पंजा पचास आ गया ना। अब देखो पचास का भाग सौ में भी जा रहा है, पचास का भाग डेढ़ सौ में जा रहा है, पचास का भाग दो सौ में भी जा रहा है ना। अब देखिए अब आपने आगे वाला सवाल है, चालीस एक सौ बीस है और दो सौ, ठीक है। अब इन तीनों के अलावा गुणनखंड करो, चालीस एक सौ बीस और दो सौ, ठीक है। दो का भाग लगाऊं चालीस में कितने आ गए बीस, दो का भाग लगाऊं दस, दो का भाग गया पांच, पांच एकम, एक सौ बीस में करो साठ, दो का भाग गया तीस, दो का भाग गया पंद्रह, पंद्रह में तीन का लगाओ पांच, पांच एकम, इसमें लगाएंगे सौ, फिर आगे पचास, फिर आगे पच्चीस, फिर लगाया पांच का पांच और पांच। अब गुणखंड देख लो, देखो चालीस के दो गुणा दो गुणा दो गुणा, फिर लिखो एक सौ बीस के दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा, फिर लिखो दो सौ के दो गुणा दो गुणा दो गुणा पांच गुणा, दो दो मिल गए, एक बार लिख लो, दो दो मिल गए, दूसरी बार लिख लो, दो दो मिल गए, तीसरी बार लिख लो, पांच पांच मिल गए, इसको लिख लो। अब यहां तीन है, पांच है ऊपर, पांच नहीं है, यहां तीन है ऊपर वाले में नहीं है, और नहीं मिलता ना, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ पंजा मैसे पे कितना आ गया, चालीस का भाग लगा लो, देखो चालीस में भी जाता है, चालीस का भाग एक सौ बीस में भी जाता है, चालीस का भाग दो सौ में भी जाता है, जा रहा है ना। अब देखिए मैं यहां लिखता हूं सात इक्कीस और बयालीस, सात इक्कीस बयालीस का मैसे पे निकालना है, सात का गुणनखंड करो सात एकम सात, इक्कीस का करो तीन का भाग लगाओ सात, सात एकम, बयालीस के गुणनखंड करो दो का भाग लगाओगे इक्कीस, फिर तीन का लगाओगे सात, सात एकम। अब सात के गुणनखंड लिखो, सात गुणा एक लिखो, तो लिखो नहीं सात का सात लिख लो, किसके सात के, फिर लिखो इक्कीस के तीन गुणा सात, फिर लिखो बयालीस के दो गुणा तीन गुणा, अब देखो क्या क्या मिल रहा है, महत्तम कितना आ गया, क्यों, क्योंकि सात का भाग देखो सात में भी जा रहा है, सात का भाग इक्कीस में जा रहा है, सात का भाग बयालीस में भी जा रहा है ना। ये हो गया आपका मैं सैप, क्या हो गया मैं। अब मैं यहां लिख देता हूं अड़तालीस, ठीक है, छप्पन और चौसठ, तीनों का करना है, तो इसका टुकड़ा अलग कर लो, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, ठीक है। दो का बाहर लगाएंगे चौबीस, दो का बाहर लगाएंगे बारह, दो का बाहर लगाएंगे छह, दो का बाहर लगाएंगे तीन, तीन एकम छप्पन में दो का बाहर लगाएंगे अट्ठाईस, दो का बाहर लगाएंगे चौदह, दो का बाहर लगाएंगे सात, सात एकम, इसमें लगाएंगे बत्तीस, और दो का बाहर लगाएंगे कितने आ गए सोलह, दो का बाहर लगाएंगे आठ, दो का बाहर लगाएंगे चार, दो का बाहर लगाएंगे दो, दो एकम। अब देखो मैं यहीं पे मिला लेता हूं, देखो दो 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 एक बार मिल गया ना, लिख दूं, फिर देखो यहां दो 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 बार मिल गया, लिख दिया। अब तीसरी बार दुआ देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है ना, तो ये दो दो तीसरी बार लिख लिख लिया। अब देखो यहां दुआ है, यहां नहीं है, यहां है, नहीं मिलेगा ना,
या देखो तीन है, या नहीं है, या नहीं है, नहीं है ना। दो दुनी चार, दुनी चार, दुनी आठ, चार दुनी ये आ गया इसका मैं से और प। जैसे चार छह और बारह, चार छह बारह, इसका मैं से भी निकालना है। चार के गुणनखंड अलग करो, छह के अलग करो, बारह के दो का भाग देंगे, दो दुनी चार, दो एकम, दो का भाग देंगे तीन, तीन एकम, दो का भाग देंगे छह, दो का भाग दिया तीन, तीन एकम, दुआ दुआ दुआ, तीनों में मिल गया। एक बार लिख लो, अब यहाँ दुआ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तीनों में नहीं है, यहाँ ती है, यहाँ ती है, यहाँ नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं मिलता ना। तो मैं सब कितना आ गया, कितना आ गया, ठीक है। इस तरह से निकाला जाता है। अब देखो मैं अठारह, पैंतालीस और बहत्तर, इसका मैं से निकालता हूं। अठारह के टुकड़े अलग करो, पैंतालीस का अलग से टुकड़े करो, बहत्तर के गुणनखंड कर लो, दो का बार गया नौ, तीन तीन आ गया। इसमें देखो दो का भाग नहीं जाता, तीन का जाता है, क्योंकि पांच और चार नौ, नौ में तीन का जा रहा है ना, तीन का जाएगा, पंद्रह तिया पैंतालीस, फिर तीन का लगाओ पांच, फिर लगाओ पांच एकम, इसमें दो का लगाएंगे छत्तीस, दो का लगाएंगे अठारह, दो का लगाएंगे नौ, फिर तीन, फिर तीन एक हो गया। दुआ यहां नहीं मिल रहा, दुआ ऐसे लगा दिया, यहां तिया एक बार मिल गया, देखो मिल गया ना, लिख लो, यहां तिया है, यहां तिया है, यहां तिया है ना, दूसरी बार भी एक, ये दो ही बार मिला ना, और तो कुछ नहीं मिला ना। तीन तिया नौ का भाग देखो अठारह में भी जा रहा है, नौ का भाग पैंतालीस में जा रहा है, नौ का भाग बहत्तर में भी, ये होता है मैं सैप, क्या होता है महत्तम समापवर्त्यक, महत्तम समापवर्त्यक।